हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ था यामा के सर्विस सेंटर पे अपने दोस्त की यामा FZS की जो है सर्विस करानी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सर्विस में हमें क्या क्या चीज़ें जो है कंपनी वो कवर अप करती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप भी यामा की बाइक या स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी मत डरना कि यामा की जो सर्विस है वो कॉस्टली होती है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको नॉमिनल प्राइस में यहाँ देखने को मिलेगी। अब चलते हैं भाई सीधा सर्विस सेंटर में और चल के देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे होता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो भाई ये आ गया मैं सर्विस सेंटर के बाहर और ये रहा सर्विस सेंटर। अब चलते हैं भाई सीधा अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो FZS है जो मेरी, वो यहाँ पे अंदर आ चुकी है और अब जो है इस गाड़ी की यहाँ पे वो चेकिंग हो रही है। जो नॉर्मल इस गाड़ी का चेकअप होता है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जो हमारे टेक्नीशियन है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और सर यहाँ पे जो है हमारा जॉब कार्ड बना रहे हैं। नमस्कार सर। तो थैंक यू। तो दोस्तों, सर यहाँ पे जो जॉब कार्ड बना रहे हैं, अब इसके अंदर सर इस सर्विस में क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा? ये थर्ड सर्विस है इसकी। सर्विस में आएगा आपका इंजन ऑयल, ओके, ऑयल फिल्टर, चैनल लुब्रिकेशन और कार्बन क्लीनर, जैसे पीसीसी भी कहा जाता है, जो फ्यूल टैंक में डलता है कार्बन क्लीनर के लिए। ठीक है। और पे कार्बन नहीं बनता। ठीक है, ठीक है। टोटल कॉस्टिंग आएगी आपकी सर्विस की 940, ओके, इंजन ऑयल 430, ऑयल फिल्टर 80, चैनल लुब्रिकेशन 265, कार्बन क्लीनर 163। ठीक है। टोटल अमाउंट आपका 940। ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको चलाने के टाइम पे? हाँ, मुझे इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ब्रेक का इशू है। ब्रेक में क्या इशू आ रहा सर? ब्रेक जो है इसके वो थोड़े से क्या है ना, वो कम पकड़ आ रही है इसकी, जो है ना फेड से हो रखे है थोड़े। ठीक है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ चेक कर सकते हो, हमारा जॉब कार्ड जो वो रेडी हो चुका है। और तो दोस्तों, हमारा जो है बाइक का जॉब कार्ड बन गया। अब जो गाड़ी वो वॉशिंग एरिया की तरफ जा रही है। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी गाड़ी का जो कार कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जो है यामा के सर्विस सेंटर को दिखाया जाए। तो दोस्तों, सर्विस सेंटर से फ़ायदा का सर्विस कराने का जो फ़ायदा है वो ये है कि यहाँ पे जो आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज जो यहाँ पे जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे सब जो है वो अवेलेबल होते हैं। मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई कोई नट नहीं खुल रहा तो उसको ज़बरदस्ती बाहर का जो लॉकर मिस्से होता है ठोक पीट के और उसको खोलता है और फिर उससे क्या होता है कि आपका जो नट बोल्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो भाई वो चीज़ें जो है ना वो सर्विस सेंटर में नहीं होती। यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो एयर प्रेशर की जो मॉनिटरिंग वाली जो मशीन है ये आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर यहाँ पे आपको सर्विस के लिए यहाँ पे रैंप देखने को मिल जाएंगे, लाइन से यहाँ पे जो रैंप लगे हुए हैं। साथ ही में इनके यहाँ पे प्रॉपर जो है वो टूल बॉक्स है, इनकी जो एयर गन्स हैं, एयर प्रेशर गन है, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाएगी इस टाइप से। अब भाई थोड़ा आगे की तरफ चलता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो यहाँ पे जो है इस बाइक का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसका इंस्पेक्शन चल रहा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से करी जाती है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और अब चलता हूँ भाई मैं आपको सीधा कस्टमर लॉन्च की तरफ। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे कस्टमर लॉन्च भी है और यहाँ पे आप जो है एक्सचेंज ऑफ़र वगैरह भी यहाँ चेक कर सकते हो। यामा के जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं जो भी हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि आपका ये हो गया गेट बेस्ट पार्ट इन 30 मिनट, अट्रैक्टिव एक्सचेंज बोनस, आपके फाइनेंस स्कीम हो गई, रोड साइड असिस्टेंट हो गया आपका, आपकी एनुअल मेंटेनेंस सर्विस फ्री AMC आपको देखने को मिल जाएगी, एक्सटेंडेड वारंटी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं भाई सीधा कस्टमर लॉन्च के अंदर। तो कस्टमर लॉन्च आप यहाँ चेक कर सकते हो, इस टाइप से आपको कस्टमर लॉन्च देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मैसअप हो रखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। AC भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पे सीलिंग फैन भी है
और इस टाइप से जो है आपके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और टीवी भी अवेलेबल करा रखे हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पार्ट पे। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ वॉशिंग बे की तरफ में, और यहाँ पे जो है मेरी बाइक को अच्छे से वॉश किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से जो है वो इसकी वॉशिंग की जा रही है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो प्रेशर है वो भी एकदम हाई प्रेशर है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि जो आपकी बाइक को नुकसान देगा, लेकिन जो एक जो प्रेशर की लिमिट होती है उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यामा जो है बाइक क्लीनिंग के लिए यामा ल्यूब का जो है वो शैम्पू इस्तेमाल करता है, और आफ्टर शैम्पू उसके बाद यहाँ पे पॉलिश की जाती है। अगर आपके पास बाइक वगैरह है तो प्रॉपर आपकी जो है यहाँ पे चैन ल्यूब और क्लीनिंग भी की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों यहाँ पे जो है वो बाइक हमारी आ चुकी है यहाँ पे सर्विसिंग बे पे, और अब जो है इसकी सर्विसिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ से जो है शुरू होने वाला है। तो दोस्तों भाई ने जो है यहाँ पे इंजन ऑयल निकाल दिया है, और अब जो है इसके अंदर नया इंजन ऑयल डलने वाला है। साथ ही में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यामा का ऑयल फिल्टर, जेन्युइन ऑयल फिल्टर है। तो करो भाई इसकी फिटिंग शुरू कर दो जल्दी से, और मैं आपको दिखा दूं कि भाई यामा का जो है मैं यहाँ पे ओरिजिनल यामा का इंजन ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि जेन्युइन है, इससे आपकी बाइक के इंजन की और परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और साथ ही में जो मैं अपने बाइक के पेट्रोल टैंक के अंदर ये यामा का जो है कार्बन क्लीनर जो है वो भी डलवा रहा हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जितने भी जो कार्बन इमिशंस है वो कहीं ना कहीं इसके डालने से कम हो जाएंगे, थोड़े से डी लेवल उनका जो है वो डाउन चला जाएगा, बाइक जो है हमारी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगी। और अब भाई जो है इसके अंदर यहाँ पे इंजन ऑयल डालने वाले हैं। तो भाई अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो टेक्नीशियन है वो यहाँ पे इंजन ऑयल डाल रहे हैं, और इंजन ऑयल चेक कर लो आप एक बार, एकदम ब्रांड न्यू कुछ इस टाइप से है। और भाई अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देते हैं, देन उसके बाद आपको मिलते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों आफ्टर सर्विसिंग मेरी जो बाइक है वो यहाँ पे डायग्नोस पे जो है वो आ चुकी है। यहाँ पे जो है इस बाइक का फुल बॉडी चेकअप आप कह सकते हो कि जो इसका ECU है या जो इसके एरर्स है वो यहाँ पे जो है वो स्कैन किए जाएंगे, और बकायदा चेक किया जाएगा कि बाइक में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी इस प्रोसेस को होने देते हैं, देन मैं आपको उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मेरी बाइक का हेल्थ चेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे इसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हो, जितने भी सारे सेंसर हैं सारे जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, और जो रिजल्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो नॉर्मल, इसका मतलब हमारी जो बाइक है वो एकदम ओके है। और इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। तो भाई अब चलता हूँ मैं सीधा बिलिंग की तरफ, और यहाँ मैं आ चुका हूँ डायरेक्ट, सामने सर बैठे। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? मेरा बिल गाड़ी नंबर बता दीजिए। फिर गाड़ी नंबर DL4S9090। ये आपका सर इंजन ऑयल है, ठीक है, 430। ये आपका ऑयल फिल्टर है 80 रुपीज़। ये आपका PCC पेट्रोल कार्बन फिल्टर जो आपके फुल टैंक में डाला जाता है 163। सर्विस आपकी 30 फ्री सर्विस है आपकी, टोटल कॉस्टिंग है आपकी 673। ठीक है, ठीक है सर। एक हमारा ग्रीन बैग है सर, वो आपको साइन कर दीजिए। एक आपके यहाँ साइन सर, ठीक है।
ये सब फीडबैक है हमारा। डिलीवरी ऑन टाइम पे मिल गई सर आपको? यस। वॉशिंग क्वालिटी सर? ओके। स्टाफ बिहेवियर सर? ओके। फेयरनेस चार्जेस सर? ओके। और आपका रिपेयरिंग क्वालिटी सर? ओके। और ये आपका पार्ट टू चेंज होगा प्रेशर से इंजन ऑयल, ये सर हमारी ओवरऑल रेटिंग है सर ये बात। ठीक है, ये आप बता दीजिए। एक्सेलेंट, वेरी गुड, गुड और एक्सेलेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर, वेलकम। तो भाई अपनी यहाँ पे बिलिंग कंप्लीट हो चुकी है और बिल जो है मेरे हाथ में आ चुका है, अब चलते हैं रेडी फॉर डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों आफ्टर बिलिंग के बाद जो है मैं यहाँ पे डिलीवरी लेने जा रहा हूँ बाइक की। तो दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग माय सर्विस तो मैं आ चुका हूँ भाई डिलीवरी के लिए, और अभी जो है सर हमें बताने वाले हैं हमारी बाइक के अंदर क्या क्या काम हुआ है। सर बताइए। आपकी बाइक रेडी हो चुकी है जिसमें आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ है। ओके। ऑयल फिल्टर रिप्लेस हुआ है। ठीक है। कार्बन क्लीनर फ्यूल टैंक में आपके फिल हुआ है। ओके। ठीक है सर। नॉर्मल सर्विस थी, थर्ड सर्विस आपकी, उसमें कोई एडिशनल पर एडिशन नहीं था। ठीक है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है आपको, ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम। ठीक है। ठीक है। और तीन दिन के लिए, तीन दिन के बाद हमारा फीडबैक कॉल जाता है आपके पास। ठीक है, कोई भी दिक्कत पड़ती है आप मुझे बता दें। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू। विजिट आपने एक्शन मोटर किया। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। तो दोस्तों आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस मेरी बाइक जो है वो डिलीवरी के लिए यहाँ पे रेडी हो चुकी है। सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हो चुकी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यामा के सर्विस सेंटर का, वो एक नंबर का रहा है। जितनी भी सारे प्रोसेस थे वो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। सारी चीज़ें जो है वो मेरी आँखों के सामने चेंज की गई, प्रॉपर मुझे बताया गया, मुझसे पूछा गया। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आपके पास भी यामा का कोई बाइक या स्कूटर है और आपको वहाँ पे अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो आप जो है यामा एक्सीलेंट सर्विस सेंटर पे आ सकते हो, जो कि आपका पीरागढ़ी में पड़ता है। यहाँ का एड्रेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं भाई यहाँ से सीधा घर की तरफ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करना लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो इसको कर लो सब्सक्राइब। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी नया सीखा है या आपको कुछ भी सीखने को, कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।